हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो बढ़िया सा ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। एंड कल ही के दिन मैंने डिस्कस किया था टॉप 5 ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक। ये वाला वीडियो को नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर के वाला वीडियो को एक बार देख लीजिए। एंड आज ही के दिन मैं ये 5 ही स्टॉक का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको ले करके जाऊंगा वो नया 2 ऑल टाइम हाई स्टॉक दिखाने के लिए। सो एक बार चलिए ये टॉप 5 ऑल टाइम हाई स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, कल ही मैंने जो 5 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था उनमें से पहला स्टॉक जो था हमारा आमी ऑर्गेनिक्स। एंड ये है आमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट एंड जिसमें कल ही यहाँ तक था एंड आज के दिन यहाँ पे -0.80% में एक रेड कैंडल दे करके क्लोज हुआ। तो आप इंतज़ार कर सकते हो इसका हाई मार्क करके, एंड हो सकता है तो ये ब्रेकआउट देगा तो पोजीशन ले सकते हो, नहीं तो वेट करो ये आएगा यहाँ तक इसका जो भी सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। फिर दूसरा वाला स्टॉक जो हमारा था गाइस वो था ICICI बैंक। एंड ICICI बैंक में आज ही देखने को मिला यहाँ पे 0.42%, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर आज ही के दिन भी एक ग्रीन कैंडल दे करके, एंड यहाँ पे भी इसका RSI मार्क कर सकते हो, RSI के ऊपर भी ये दे करके जा रहा है। तो ICICI बैंक यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश के लिए तैयार रहे। एंड तीसरा वाला जो हमारा था गाइस एडवांस्ड एंजाइम टेक करके था शायद, ये था हमारा एडवांस्ड एंजाइम तीसरा वाला स्टॉक एंड ये भी रेड में क्लोज हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो -1.74 एंड यहाँ से ओपन हुआ था एंड सीधा आकर के यहाँ पे क्लोज हुआ रेड कैंडल में। तो इसको आप इसका हाई या इसका हाई जो वीक है यहाँ पे क्लोज होने के बाद एंट्री ले सकते हो, नहीं तो ये आएगा फिर से यहाँ तक जो भी ये इसका क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, फिर यहाँ पर आप तैयार करना एंट्री के लिए। तो फोर्थ वाला स्टॉक भी हमारा देख लेते हैं जो कल मैंने डिस्कस किया था। वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आपको चैनल पे मिल जाएगा लिंक, तो जाकर के चैनल पे वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो GM Brewers ये भी देख सकते हो यहाँ पर ओपन हुआ था एंड ये जो काली का हाई ब्रेक करके ऊपर गया था फिर यह सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से हैवी सेलिंग हुआ, फिर ये आएगा तो यहाँ तक मीन्स जो भी इसका क्रूशियल सपोर्ट एरिया यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से जा सकता है। तो ये हमारा फोर्थ वाला स्टॉक था कल ही मैंने जो डिस्कस किया था। एंड फिफ्थ वाला स्टॉक जो है BSE गाइस, वो भी आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो BSE में बहुत कल ही यहाँ पे देख सकते हो 10% के ऊपर कल ही के दिन यहाँ पे रैली दिखाया था, आज ही के दिन -2.86%। तो ये तो था गाइस BSE का। एंड आज का जो दो स्टॉक है, तो चलिए मैं आपको आज का दो स्टॉक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, जो मैंने दो स्टॉक आपको शेयर करने वाला हूँ आज, उनमें से फर्स्ट है जो इंडो बोरा केमिकल। सो ये है उसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मंथली टाइम फ्रेम में, मीन्स ये जो है अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक देख सकते हो अप ट्रेंड में है। तो इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में, फिर हम देखेंगे बाद में डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये है उसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यहाँ पे देख सकते हो हायर हाई फिर हायर लो फिर और एक हायर हाई बनाने की तैयारी में है। तो एक बार मैं डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट को भी कन्वर्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे उसका डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट गाइस, एंड आज ही के दिन यहाँ पे देख सकते हो 11.47% का रैली एंड एक वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड ये जो था एक कैंडल दो कैंडल तीन चार दिन से जो भी था ये रेंज को ब्रेकआउट दे करके इतना बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर जाने को तैयारी में है। तो ये तो था गाइस हमारा फर्स्ट स्टॉक। हमारा दूसरा वाला स्टॉक भी एक बार देख लेते हैं एंड इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहे तो ये जो भी है इसका ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये जो ब्रेकआउट दिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा एंड यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप वेट कर सकते हो, नहीं तो इसका हाई ब्रेक करता है या क्लोज करता है तो एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आपके रिस्क रिवार्ड, आप इसको स्विंग के लिए या पोजिशनल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो इसका फंडामेंटल देख करके, ठीक है। तो ये मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इसको
लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। तो ये था हमारा फास्ट स्टॉक इंडो बोराफ एंड केमिकल्स। तो दूसरा वाला स्टॉक जो है गाइस हमारा, ये है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। तो ये है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये भी आज के दिन 10.40% का रैली सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में देखने को मिला है। तो इसका भी हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है इसका डेली का टाइम फ्रेम इसमें आकर के भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम इसका भी 60 RSI के ऊपर है। एंड यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो गाइस यहाँ पे था बहुत पुराना सा स्टॉक है, 2006 से लिस्टिंग हुआ था। फिर यहाँ पे देख सकते हो आया था यहाँ तक 352, फिर से फॉल हुआ एंड देख सकते हो यहाँ से लेकर के 93 से यहाँ तक हाई बनाया था, फिर यहाँ से फॉल। तो ये है उसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। एक बार इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है वीकली टाइम फ्रेम में, एंड वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो कितना अच्छा खासा ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये जो ऑल टाइम हाई इसका जो रेजिस्टेंस था इसको भी फाइनली ब्रेकआउट दे दिया इस हफ्ते। तो इसको हम डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अच्छा से क्लियर से विजिबल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वीकली में जो भी ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहा। यहाँ पे एक बॉक्स में ड्रा कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक बॉक्स में ड्रा कर देता हूँ, फिर देख सकते हो ये बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था एंड इसका हाई आप मार्क कर सकते हो। ये आएगा तो फिर से यहाँ तक ये बॉक्स जो है यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यू एंड यहाँ पे 60 RSI के ऊपर है। एंड जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हो इंडिकेटर लगा करके भी देख सकते हो। तो ये तो था गाइस आज ही का दो स्टॉक, एंड कल ही मैंने जो 5 स्टॉक डिस्कस किया था वो भी आपके साथ उनका रिजल्ट भी शेयर कर दिया क्या हुआ उन स्टॉक में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।